तो एक रागनी किस मौके की के जिस टाइम वो फूलचंद अपनी भावज के लड़कर रोता पीटता अपने भाई भूप सिंह के पास आता है और उसकी आंखों में आंसू देखे देख कम आंसू उन्हें लग रहा भाई के बात तू अक्षत्री का बेटा हर तेरी आंखों में आंसू कमाल की बात है। किसी ने कुछ कह दिया तो मैंने बता बोला ना भाई ये तो घर में जाग रहा है सबका बोले अच्छा बोला आ जा तेरे लाड करूंगा मेरी कोली में आ जा बोला अरे भाई मर गया मेरे लाड करनी है तो तू मेरे के लाड करेगा तू अपना आप लुगाई का गुलाम है एक बात के द्वारा क्या करने लगा बोला फूल सिंह कैसे ये लाड चावे मट्टी में मिल गए देखे इब के पुछ कार तेरी बहू कन्या सारे लक्ष्मीचंद की बात है। अरे एक आदमी का पल्ला नहीं पड़ती जो समझदार मानस है वो इस प्रोग्राम में पी के बैठेगा कैसे और सोले माथे कद्दे ना बोले आए जब चाहे घर जाले राजी हो के कद्य ना कहती अजा देवर भोजन खा और पानी मांगा था पीवण ने अपे हे पी प्याले घनी को समद का भूखा सतनो टंकी ने मन कौन रहन का काम बता रे नहीं रहन का अरे भाई भूप सिंह तेरी बहू जिस घर में रह रोज लड़ाई अरन्यू के हो से गुजारे और घर कुल बेकी एक सलाह बिन सब दुख न्यारे और अगर के रमानस लड़िया करे तो गैर बनिया कर प्यारे और तेरी बहू के झगड़िया न जाने ये अगर पड़ोसी पर जुलम कितने ना देखा ऐसा जुलम मन कितने ना देखा जो जिसा जुलम और भाई कहना क्या रे भाई तू मेरे के लाड करेगा
मना आज तक जो कर राम का दौरा लक्ष्मण ने भाई है तेरी के लवा ने बाके दिखाई, पर तू आए लिखड़ा लुगाई का गुलाम, और जो घर में लुगाई की मान लाग जा है, माँ बाप भाई परिवार ने कुछ ना मानने वो मानस को ना होया करता, पर तू कुछ भी को ना पाया कैसे। आज सब तरिया हर सरे भाई भूप से